We are going to start with the another component of new economic policy 1991, which is privatization. ठीक है, so हमारी जो new economic policy थी वो basically तीन pillars के ऊपर खड़ी हुई थी. पहला था liberalization, economy को liberalize करना बहुत ज्यादा जरूरी था. ठीक है, दूसरा था privatization. Privatization का मतलब क्या है? It implies shedding of the ownership or the management ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस. जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, आपको मालूम है कि पब्लिक सेक्टर को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड किया हुआ था इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. पब्लिक सेक्टर वॉज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. एज अ रिजल्ट मेनी इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. सो इट वॉज थॉट के पब्लिक सेक्टर से हमें जो रिटर्न आएगी उसको हम फर्दर इन्वेस्ट करके अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते जाएंगे. सो कुछ हमारे जो एंटरप्राइजेस थे वो बहुत ज्यादा लॉस में चले गए, जिस करके हमें उनमें से रिटर्न क्या आनी थी, हमारी गवर्नमेंट को उनके ऊपर स्पेंड करना पड़ रहा था. ठीक है, विच लेड टू बजटरी डेफिसिट, जिसके करके हमारा जो बजटरी डेफिसिट था वो हर साल बढ़ता गया. So if you remember, one of the cause why this policy was undertaken, that was high fiscal deficit. So fiscal deficit बढ़ने का कारण यही था. हमारे जो public sector enterprises थे उनमें से कुछ public sector enterprises loss में जा रहे थे, then they were occurring as a dead social weight on our government's treasury. उनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा spend करना पड़ रहा था. तो इसके चलते हमने प्राइवेटाइजेशन का सोचा. प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनमें से गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप या मैनेजमेंट विदड्रॉ कर लेगी. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं उनको हम प्राइवेट कंपनीज में दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. वन, बाय विदड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. यू नो व्हाट आर गवर्नमेंट कंपनीज? गवर्नमेंट कंपनीज वो होती हैं जिसमें मिनिमम 51% ऑफ द इक्विटी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. इट कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कुड बी स्टेट गवर्नमेंट, और इट कुड बी बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. 49% जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक के पास है. ठीक है, अब अगर आपने प्राइवेटाइज करना है तो आप दो तरीके से प्राइवेटाइज कर सकते हैं. एक, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनमें से आप अपनी ओनरशिप, अपनी मैनेजमेंट विदड्रॉ कर लीजिए, यानी ये जो शेयर्स हैं ये आप प्राइवेट सेक्टर को बेच दीजिए. दूसरा तरीका क्या है? बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज. आउटराइटली जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उनको आउटराइटली प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया. ठीक है, सो एक क्या अपनी ओनरशिप और मैनेजमेंट विदड्रॉ कर ली. ठीक है, दूसरा आउटराइटली प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया. सो जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन की जाती है बाय सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ एक पार्ट, इक्विटी का एक पार्ट जब प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैंने बोला ये एक कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, यानी कि 51% शेयर्स किसके पास है, तभी इसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग लाइज विद द गवर्नमेंट. इफ से 10% आउट ऑफ दिस इज सोल्ड टू द पब्लिक, तो गवर्नमेंट के पास कितने रह गए? 41%. इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ गवर्नमेंट कंपनी. वाई? बिकॉज नाउ गवर्नमेंट इज होल्डिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग. तो जब ये 10% शेयर पब्लिक को बेच दिए, पब्लिक के पास आ गए 59%. इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, क्या? डिसइन्वेस्टमेंट. क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, अब
इसको सेल ऑफ करने का पर्पस क्या है? दो कारण है, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव करना, बेटे ये एंटरप्राइज लॉसेस में जा रहा है ना, तो जब हम इसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे उससे एक तो रिसोर्सेज जनरेट होंगे है ना, तो हमारा फंड यानी रेवेन्यू आएगा, और प्राइवेट सेक्टर के पास जब ओनरशिप ज्यादा होगी तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, प्रॉफिट मोटिवेटेड होगा, तो वो लॉस मेकिंग एंटरप्राइज को प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज करने के लिए हर कोशिश करेगा, ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन कैन बी फैसिलिटेटेड। लेट अस से ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों लॉस में जा रही है, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी 1966 में, आज आ गया 1980, 14 साल हो गए, वही प्लांट वही मशीनरी चल रहा है, डेप्रिशिएट हो गया। अब इसको मशीनरी को अपडेट करने की जरूरत है क्योंकि ये आउटडेटेड हो गया है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाने की जरूरत है, लेकिन ये तो लॉस में जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कितना को इन्वेस्ट कर सकती है, सो हमने क्या किया, हमने इसका ही कुछ हिस्सा बेच दिया, उससे रिसोर्सेज जनरेट कर लिए और उससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया, राइट? जैसे कि लेट अस से आपका एक घर है, 40 मरले का घर है, वो बहुत पुराना बना हुआ है, सारा का सारा टूट रहा है, अब इसके ऊपर पैसा कैसे लगाएं, पैसे नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने 10 मरले बेच दिया, ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, आपने वो पैसों से इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर ली। ऐसा ही गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने अपने इक्विटी का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, उससे एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन उनका इंप्रूव हो गया, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, दे वर एबल टू अपडेट देयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। मोर ओवर इट वॉज ऑल्सो इनवाइसेज्ड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजीरियल कैपेबिलिटीज कुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये भी सोचा गया कि जब प्राइवेट कैपिटल आएगी तो उसके साथ साथ बेटे प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होते हैं ना वो प्रॉफिट मोटिवेटेड होते हैं, है ना, तो दे नो हाउ टू यू नो कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी, उनको हर चीज में से प्रॉफिट बनाना आता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, इनको सैलरी मिल जानी अपनी, फर्स्ट डेट पड़ी इनके अकाउंट में सैलरी आ गई, इनका एंटरप्राइज लॉस में जा रहा है, लॉस में नहीं जा रहा, उनको कोई लेना देना नहीं है, एज लॉन्ग एज उनके अकाउंट में उनकी सैलरी क्रेडिट हो रही है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपके मैनेजर ने क्या ही देना है, इस साल प्रॉफिट्स नहीं ना हुए तो सैलरी हाफ आएगी। नाउ विल यू बी अनकंसर्न्ड और इनडिफरेंट टुवर्ड्स योर फर्म्स परफॉर्मेंस और नॉट? यू विल बी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट नहीं हो गए आप, क्यों? क्योंकि अगर आपकी एंटरप्राइज लॉस में जाएगी आपकी सैलरी कट जाएगी, तो इसीलिए ऐसा सोचा गया कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, तो जब हम प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में तो उससे प्राइवेट कैपिटल आएगी प्लस मैनेजीरियल एबिलिटी बढ़ेगी, जो मैनेजर्स हैं दे विल ट्राई एवरी एफर्ट टू कन्वर्ट लॉसेस इनटू प्रॉफिट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये भी सोचा कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो हमारा FDI, यू नो व्हाट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो 91 से पहले हमने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे बंद रखे हुए थे, खिड़कियां दरवाजे बंद थे, हम नहीं चाहते थे MNCs हमारी कंट्री में आए, क्यों नहीं चाहते थे? अब कोई फॉरेन, आपका कोई डेक्लेमेशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, मैं दो बच्चे यहाँ पे मेरे तैयार हैं, यहाँ आपस में कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं कोई एक फॉरेन स्कूल का बच्चा यहाँ पे लाके खड़ा कर दूं और वो भी कॉलेज का, ठीक है, आप में से एक का चांस था कि मैं तो कॉम्पिटिशन जीतने ही वाला हूँ, जैसे ही वो बच्चा आया आप धरे के धरे रह गए, आपके मार्क्स हो गए जीरो, जजेस ने सारे मार्क्स उसको दे दिए, ठीक है। ऐसा ही हमारी इकोनॉमी के साथ था, हमने कहा भी हमारी इंडस्ट्री तो भी इन्फेंट है, इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो हम अपनी कंट्री में MNCs अलाओ नहीं करेंगे। ये कब तक चला? 1990 तक चला, ठीक है। बट अब ऐसा सोचा गया, ऐसा समझा गया कि अब
हमारी इंडस्ट्री जो है वो बिना कंपटीशन के इनएफिशिएंट होती जा रही है, इसको कंपटीशन देने की जरूरत आ गई है, ठीक है। सो वी वांटेड टू इनकरेज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस वी वांटेड एमएनसीज टू कम इन इंडिया एंड सेट अप देयर एंटरप्राइजेस। यस मोहित, सुन लो बेटे, बुक की तरह, बुक बाद में पढ़ी जाएगी, सिर्फ सुनो आप। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जब हम इनकरेज करते हैं, कहने का मतलब क्या है, एक वन वर्ड क्या है FDI का, MNCs। वी आर इनकरेजिंग मोर एंड मोर MNCs टू कम इनटू इंडिया। तो ऐसा सोचा गया कि जब हम प्राइवेटाइजेशन लेके आएंगे तो उससे FDI हमारी कंट्री में बढ़ेगी, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनकी एफिशिएंसी एक तो किस तरह से इंप्रूव की, उनके कुछ शेयर बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन गवर्नमेंट ने एक और कोशिश की, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो लॉस में जा रहे थे उनको प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, उनको ऑटोनॉमी दी। ऑटोनॉमी का मतलब इंडिपेंडेंस, देवर गिवन इंडिपेंडेंस टू टेक मैनेजीरियल डिसीजंस। देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लॉसेस में जाने का एक कारण ये भी था, ब्यूरोक्रेसी थी, रेड टेपिज्म था, आपको कोई डिसीजन लेना है आज लेकिन आपको ये 5 लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे डिसीजन लेने के लिए, तो आज के हो जाएंगे 20 दिन, 20 दिन में वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। क्यों निकली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑटोनॉमी नहीं है डिसीजन लेने की, यू आर डिपेंडेंट, समझ में आया, यू आर डिपेंडेंट क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है बेटे, दीज आर कंट्रोल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे, एक मैनेजर भी अपने लेवल पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था, ठीक है, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी निकल जाती होती थी। कारण क्या बना अपॉर्चुनिटी निकलने का, उनको अपनी डिसीजंस लेने की ऑटोनॉमी नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए ये सोचा गया कि क्यों ना इन एंटरप्राइजेस को ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो अपनी मैनेजीरियल डिसीजंस टाइमली ले सकें, ठीक है। और बेटे क्या किया गया प्राइवेटाइजेशन के लिए, सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्नास। कुछ हमारे एंटरप्राइजेस ऐसे थे जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक, यानी जब वो सेटअप हुए थे और 1990s में भी वो अच्छे प्रॉफिट दे रहे थे, दे वर गिविंग गुड प्रॉफिट्स टू द गवर्नमेंट, तो हमने क्या किया, हमने उनको स्टेटस दे दिया नवरत्ना। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड नवरत्न, व्हाट आर नवरत्नास, 9 कोटियर्स ऑफ राजा विक्रमादित्य। अगर आप हिस्ट्री पढ़ी हुई है आपने, तो बेटे मास्क पहनो सब लोग, तो एक इंडिया में एक बहुत फेमस किंग हुआ करता था विक्रमादित्य, तो उसके कोर्ट में 9 मिनिस्टर्स होते थे विच वर नोन फॉर देयर विजडम एंड एमिनेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसीलिए मैं उनको कहता था ये मेरे 9 रत्न हैं, 9 ज्यूल्स हैं ये मेरे, ठीक है। तो इसी तरह ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, 9 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये गवर्नमेंट के हेड का क्राउन थे, यानी ये जो पब्लिक सेक्टर था ये उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा रहे थे, दे वर डूइंग गुड वर्क, दे वर वेरी वेरी एफिशिएंट, दे वर अर्निंग गुड सरप्लसेस फॉर द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट गेव देम द स्टेटस ऑफ नवरत्ना, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनको ऑटोनॉमी दी, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो तो हम आपकी फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नवरत्ना नाम दे दिया, एक टाइटल दे दिया, उससे कुछ फायदा नहीं होता बेटे, उसके साथ साथ क्या दिया गवर्नमेंट ने, उनको ऑटोनॉमी दी, गवर्नमेंट ने कहा कि आप इंडिपेंडेंटली काम करिए, हम आपकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को महारत्ना का स्टेटस दिया और कुछ को मिनी रत्ना का स्टेटस दिया, ठीक है।
So there is this information given in your box. Maharatna, jo hamari country ke hain, these are Indian Oil Corporation Limited, IOC, Steel Authority of India Limited. Navratnas jo hain, HAL, Hindustan Aeronautics Limited, MTNL, Mahanagar Telephone Nigam Limited. Do do examples di hui hain. Mini Ratna, BSNL, Bharat Sanchar Nagar Limited, Airport Authority of India, and IRCTC. Suna kabhi? Kya hai full form? Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. ठीक है, ये एक रेलवे ऑफ इंडिया से अलग एक एंटरप्राइज बनी हुई है जो कि इनकी केटरिंग करती है. ठीक है, IRCTC. सो मेनी ऑफ दीज प्रॉफिटेबल PSUs वर ओरिजिनली फॉर्म्ड ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s. कब हमने इनको फॉर्म किया? सेकेंड फाइव ईयर प्लान में. जनरली फर्स्ट यहां सेकेंड फाइव ईयर प्लान में, जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिलायंस था. ठीक है, तो इनको सेटअप करने का पर्पस था क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाना एट लो प्राइसेस. सो बाय ग्रांटिंग दिस स्टेटस, जब हमने इनको महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना का स्टेटस दिया, इट रिजल्टेड इन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ दीज एंटरप्राइजेस. इससे इन एंटरप्राइजेस ने, मैं आपको बोलूं, आप तो मेरी क्लास के क्राउन हो. ठीक है, आप तो मेरे बहुत ही अच्छे बच्चे हो. तो अगली बारी आपके माइंड में साइकोलॉजी में एक बैठ जाएगा, यू विल ट्राई टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. है ना, ऐसे ही होता है ना, बच्चों को जब हम मोटिवेट करते हैं तो यही कहते हैं ना कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप पढ़ते भी बहुत अच्छे और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्टिसिपेट करते हो, एवरीथिंग. And then you try to maintain that. Same happened with these enterprises. It resulted in better performance. ठीक है? So इनको भी, इनमें से भी गवर्नमेंट ने कुछ जो एंटरप्राइजेस थे उनको भी डिसइन्वेस्ट किया था. ठीक है, सो लेट्स कम टू दी, अच्छा चलो थोड़े से प्लस और माइनस पॉइंट्स प्राइवेटाइजेशन के देख लेते हैं. पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट रही यही है बेटे कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे जो कि लॉस इनकर कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई. प्राइवेटाइजेशन रिजल्टेड इन इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. अब ये जो पब्लिक सेक्टर थे जो कि बर्डन बने हुए थे हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, अब इनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव हो गई. राइट, सेकंड, बजटरी डेफिसिट. हमारा बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि ये एंटरप्राइजेस लॉसेस में जा रहे थे. ठीक है, जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है बेटे, उसको पूरा करने के लिए मनी सप्लाई आती है, मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं. तो इसीलिए हम एक विशेष सर्कल में फंसे हुए थे. हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, उसके करके मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ रही थी, मनी सप्लाई बढ़ रही थी तो प्राइसेस बढ़ रहे थे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा. वी वर कॉट इन अ विशेष सर्कल. ठीक है, तो जब हमने अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कुछ हिस्सा बेच दिया तो उससे क्या हुआ, हमारा जो एक्सपेंडिचर जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस के ऊपर हो रहा था वो कम हो गया. जब खर्चा कम हो जाएगा तो डेफिसिट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा. राइट, देन हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो. हमारे जो एंटरप्राइजेस थे ना, उनकी कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज्यादा थी. डू यू नो व्हाट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो? एनी गेसेस फ्रॉम द नेम? बेटे कैपिटल ओवर आउटपुट.
This is capital output ratio. Capital over output. तो मतलब क्या इसका? अगर मुझे 100 रुपए की आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए अगर मेरे को 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, कैपिटल लगानी पड़े, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगी? 5:1. हायर द बेटर और लोअर द बेटर? आपको अगर चांस मिले, आपको मैंने मैनेजर बना दिया, मेरी कंपनी की COR 5:1 है, आप इसको बढ़ाओगे कि कम करने की कोशिश करोगे? कम करने की कोशिश करोगे? आप चाहोगे कि ज्यादा आउटपुट कम कैपिटल में प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है? अब उस टाइम पे क्या था बेटे, COR वॉज वेरी वेरी हाई. जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उसकी जो COR है वो काफी हाई थी. तो जब हमने प्राइवेटाइज कर दिया, उससे हमारे पास रिसोर्सेज आ गए, तो हमने उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया. यस, सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स इन हायर आउटपुट. सो अवर COR डिक्लाइंस. ठीक है, क्या क्या फायदा हुआ प्राइवेटाइजेशन का बताना जरा. कैपिटल आउटपुट रेशो कम हो गई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो परफॉर्मेंस पुअर जा रही थी उनकी एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, और तीसरा हमारा जो बजटरी डेफिसिट था, घाटा था बजट का, वो कम हो गया. क्यों कम हो गया? क्योंकि जो लॉसेस सफर करने पड़ रहे थे उसका जो खर्चा था वो कम हो गया. क्लियर? प्राइवेटाइजेशन के कुछ नुकसान भी हुए. What are the arguments against privatization? There are, you know, कोई भी हम पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उसका प्लस माइनस दोनों होता है. ये मैंने प्लस डिस्कस कर लिए. तो नेगेटिव क्या रहा? नेगेटिव क्या था? अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. अ प्राइवेटाइजेशन इज अ गारंटी फॉर कन्वर्टिंग लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस इनटू प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस, बट इट इज नो गारंटी फॉर सोशल बेटरमेंट. हो सकता है ये जो लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट किए वो प्राइसेस बढ़ा के करे, गुड्स के प्राइसेस बढ़ा दिए, तो उससे क्या हुआ, चीजें महंगी हो गई, तो पुअर पीपल के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ा. समझ में आया? मतलब हो सकता है प्राइवेटाइजेशन से अनबैलेंस्ड ग्रोथ. ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर इक्वली डेवलप हुआ. सम सेक्टर्स वर डेवलप्ड, सम वर नॉट डेवलप्ड. देन एडवर्स इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगेन प्राइसेस बढ़ गए तो मासेस के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बेटे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम किससे मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे मेजर करते हैं? कैसे पता चलता है? आपका पड़ोसी है, उसके पास 4 कारें हैं, आईफोन है. हर फैमिली मेंबर के पास कार है, हर फैमिली मेंबर के पास आईफोन है, घर में कोने कोने में एसी लगे हुए हैं. आप क्या कहते हैं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है? इनकम से पता चलता है. अच्छा, आपका दूसरा पड़ोसी है, उसने घर में इनकम अपनी जो है लाखों करोड़ों रुपए ट्रंक में डाल के रखे हुए हैं, घर टूटा फूटा है, स्कूटर पे आता जाता है, टूटा सा मोबाइल है, कहोगे उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है? किसका बोलोगे? जिसके पास 4 कारें मोबाइल है उसका बोलोगे? तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाय कंजम्पशन पैटर्न. किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर. अब जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो मासेस, मासेस मतलब मिडिल क्लास, मैक्सिमम पीपल, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड गुड्स, सो देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी लो. ठीक है, देन यही आप इसके डीमेरिट्स कह सकते हो. सो गवर्नमेंट ने कैसे प्राइवेटाइजेशन करी पता चल गया? दो तरीके से, एक आउटराइटली अपने एंटरप्राइजेस सेल कर दिए प्राइवेट सेक्टर को, दूसरा अपने इक्विटी का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेचा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें आपने यही चीजें, डिसइन्वेस्टमेंट याद रखना, एक स्ट्रेटेजी, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल, जब पूरा का पूरा एंटरप्राइज बेच देते हैं उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। और जब कुछ शेयर बेचते हैं उसको कहते हैं माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक का मतलब पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, ठीक है, और माइनॉरिटी का मतलब कुछ परसेंटेज शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए। व्हाट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट। और क्या याद रखनी है? महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, एटलीस्ट दो दो एग्जाम्पल सबकी करनी है। कोशिश करो कि सारा लर्न करो, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। उसने आईओसी लिख दिया, विच इज दिस अ महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना, सो यू शुड नो, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ग्लोबलाइजेशन हम कल करेंगे बेटे। एनीवन हैविंग एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क।